हेलो गाइस, कैसे आप सब। मैं साथ ही आपके साथ। और चलिए आज हम रिएक्शन करने वाले हैं व्हाई मुस्लिम वेयर हिजाब एंड बुरकास। ये मुझे रमशा सुल्तान का वीडियो है, ये मुझे कमेंट में आया था, ये कीजिए। तो चलिए देखते हैं कैसा है ये। قم بنا وانظر لآيات الجمال قم بنا وانظر لآيات الجمال। Assalamualaikum, मेरा नाम रमशा सुल्तान है और आज मैं आपको बताऊंगी कि मुस्लिम गर्ल्स या लेडीज हिजाब या बुरखा क्यों पहनती हैं। ये वीडियो स्पेशली नॉन मुस्लिम्स के लिए है क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेरीज और क्वेश्चंस उन्हीं को होते हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि मुस्लिम वुमेन इस तरीके से अपने आप को ढकती हैं। एंड आई रियली होप दैट दिस वीडियो विल सॉल्व ऑल योर क्वेरीज। लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन जो सबके दिमाग में आता है कि ये हिजाब होता क्या है। तो हिजाब का मतलब है टू कवर। ये जो स्कार्फ हम अपने सर पर ढकते हैं इसको हिजाब कहते हैं और ये इसलिए ढका जाता है ताकि हमारे बाल ढक सकें, बिकॉज वी बिलीव के एक औरत की खूबसूरती उसके बालों में भी होती है। तो हम अपने बाल भी ढकते हैं एंड ऑल्सो विद दिस क्लॉथ हमारी चेस्ट भी कवर हो जाती है, विच यू ऑल नो इज वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव फीचर्स ऑफ वेमेन। अपार्ट फ्रॉम दिस, मुस्लिम वुमेन लूज कपड़े पहनती हैं ताकि उनका बॉडी शेप रिवील ना हो। अब जरूरी नहीं कि वो बुरखा ही पहने, वो और भी तरह की कोई भी मॉडेस्ट ड्रेसिंग पहन सकती हैं जिससे बॉडी शेप रिवील ना हो, वो टाइट कपड़े ना हो। सिर्फ इतने हाथ, इतना फेस और टखनों तक पैर जो होते हैं वो विजिबल हो सकते हैं, बाकी बॉडी कवर होनी चाहिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या वजह है जो मुस्लिम वुमेन इस तरीके से ड्रेसअप होती हैं। तो इसका आंसर ये है कि ऐसा करने के इंस्ट्रक्शंस अल्लाह ने कुरान में दिए हैं। وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وليضربن بخمرهن على جيوبهن يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن। कुरान में सिर्फ औरतों को ही नहीं मर्दों को भी ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि वो अपनी नजरें नीची रखें, मॉडेस्टली ड्रेस अप हों और औरतों को इज्जत से ट्रीट करें। मुस्लिम्स का अल्टीमेट लाइफ गोल यही होता है कि जो कुरान में अल्लाह ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं या हमारे प्रॉफिट ने जो हमें जिंदगी जीने का तरीका सिखाया है हम उसे फॉलो करें। तो ये कुरान की आयत पर मुस्लिम लेडीज कोशिश करती हैं कि वो अमल कर सकें। ऐसे ड्रेसअप होने की एक और सिग्निफिकेंस ये है कि आप देखते ही बता सकते हैं कि ये एक मुस्लिम लेडी है। तो हिजाब एक आइडेंटिफिकेशन है एक मुस्लिम की। अनदर वेरी कॉमन क्वेश्चन इज कि क्या हम ये हिजाब हर वक्त पहनते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, हम घर पर हिजाब नहीं पहनते। बेसिकली अपने हस्बैंड के सामने, अपने फादर के सामने, अपने भाई के सामने, अपने फादर इन लॉ के सामने, बच्चों के सामने, मामुओं के सामने या लेडीज के सामने, कोई भी तरह की फीमेल के सामने हमें कोई जरूरत नहीं है पर्दा करने की। वी कैन बी वेरी नॉर्मल। इट्स जस्ट दैट पर्दा उनसे किया जा सकता है जिनसे आपका निकाह हो सकता है। सो व्हेनेवर वी गो आउट इन पब्लिक गैदरिंग या इन मार्केट्स और इन पब्लिक प्लेसेस, तभी हम ऐसे अपने आप को कवर करते हैं, अदरवाइज वी चिल आउट एट होम। अनदर वेरी कॉमन क्वेश्चन जो हर कोई पूछता है वो ये है कि क्या आपको फोर्स किया गया है हिजाब पहनने के लिए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेजॉरिटी मुस्लिम वुमेन अपनी मर्जी से पर्दा करना शुरू करती हैं। बेसिकली व्हेन अ गर्ल रीचेज हर प्यूबर्टी, जब एक लड़की बालिग हो जाती है तब से इट इज एडवाइज दैट वो अपने आप को मॉडेस्टली ड्रेसअप करना शुरू करे। फॉर एग्जाम्पल इन माई केस, मेरे पेरेंट्स ने मुझे बिल्कुल भी फोर्स नहीं किया हिजाब पहनने के लिए। उन्होंने मुझे अच्छी और सही तालीम दी, दीन की भी और दुनिया की भी, एंड देन इट वॉज अप टू मी वेदर आई वॉन्ट टू ऑप्ट इट और नॉट, एंड आई डिड। और ये चीजें ऐसी हैं, आप किसी पे फोर्स नहीं कर सकते। जब इंसान खुद सोच कर समझ कर इसको एक्सेप्ट करता है तभी वो लाइफ लॉन्ग चल सकती है। जबरदस्ती वाली चीजें ज्यादा टाइम तक चल नहीं पाती।
Another common misconception is कि ब्लैक कलर का बुर्का पहनना जरूरी है. नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है. आपकी ड्रेसिंग जो है वो मॉडेस्ट होनी चाहिए, कपड़े लूज होने चाहिए, बॉडी शेप नहीं दिखना चाहिए, यहां तक आपके हाथ कवर होने चाहिए, टखनों तक पैर कवर होने चाहिए और इतना फेस विजिबल होना चाहिए. अब आप ये किसी और ड्रेस के थ्रू भी कर सकते हैं तो आप वो ड्रेस पहनिए, जरूरी नहीं कि आप बुर्का ही पहने. ऑल्सो जरूरी नहीं कि इफ यू आर वेयरिंग अ बुर्का वो ब्लैक कलर का ही हो, इट कैन बी ऑफ एनी कलर. तो ये एक कॉमन मिसकंसेप्शन है क्योंकि मेजॉरिटी वेमेन एक ब्लैक बुर्का पहनती हैं, बट ये कोई कंपल्शन नहीं है, जरूरी नहीं है. बस जो मेन चीजें हैं लाइक द बेसिक कवरिंग ऑफ द बॉडी, वो चीजें फुलफिल अगर होती हैं तो आप कुछ भी पहन सकते हैं अंडर दोज रिस्ट्रिक्शंस. हिजाब सिर्फ एक ड्रेस कोड नहीं है, ये काफी डीप चीजें सिग्निफाई करता है. फॉर एग्जाम्पल, इट्स अ बैरियर बिटवीन अ मैन एंड अ मुस्लिम वुमेन. ये सिग्निफाई करता है कि एक जो मुस्लिम लेडी है उसे कोई भी आदमी या लड़का ऐसी कैजुअली बिहेव नहीं कर सकता, कैजुअली उसको टच नहीं कर सकता, उसके सामने इनडिसेंट बिहेवियर नहीं कर सकता, उसके सामने इनडिसेंट बातें नहीं कर सकता. ये एक सिग्निफिकेंस है कि जो मुस्लिम विमेन है वो बहुत ही रिस्पेक्टफुल विमेन है, उनके सामने तमीज से पेश आना है, उनसे बहुत अदब से बात करनी है और अपनी हद में रहना है. So a hijab tells a man to treat a Muslim woman with utmost dignity and respect. जो लड़कियां हिजाब नहीं भी पहनती, जब उन्हें नमाज पढ़नी होती है तब उन्हें दुपट्टा बांधना पड़ता है, अपने हाथ पैर कवर करने होते हैं, तब ही वो नमाज पढ़ सकती हैं. तो इंसान को इस तरीके से ड्रेसअप होना चाहिए कि जिस तरीके से वो अल्लाह के सामने खड़ा होता है, जिस तरीके से अपने आप को अल्लाह के सामने रिप्रेजेंट करता है, वैसे ही वो अपनी जिंदगी के बाकी टाइम में भी ड्रेसअप हो और बाकी लोगों के सामने भी वैसे ही अपने आप को रिप्रेजेंट करे. एंड लास्टली, अगर किसी को भी ये लगता हो कि मुस्लिम विमेन ऑप्रेस्ड हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. आप इस्लाम को डीपली स्टडी करिए, आपको पता लगेगा कि इस्लाम इज द ओनली रिलीजन जिसमें विमेन को इतनी जबरदस्त राइट्स दी गई हैं. Women are treated with utmost respect in Islam. They have been given the highest status in Islam. आज के टाइम पे आपने देखा होगा कि मुस्लिम विमेन बेहतरीन से बेहतरीन एजुकेशन हासिल कर रही हैं, डिग्रीज हैं उनके पास, वो हर प्रोफेशन में बेहतरीन काम कर रही हैं और वो किसी से दबती नहीं है. दे आर जनरली वेरी कॉन्फिडेंट विमेन एंड दे आर वेरी रिस्पेक्टफुल. हिजाब पहनने से किसी की पर्सनालिटी कम नहीं हो जाती, इनफैक्ट इट इज एन एडिशन टू द पर्सनालिटी. जो लेडीज हिजाब पहनती हैं उनके भी पैशन होते हैं, उनके पास भी एजुकेशन होती है, उनका भी इंटेलेक्ट होता है, उनकी भी डिजायर्स होते हैं. दे आर वेरी नॉर्मल एंड कंप्लीट ह्यूमन बींग्स. इट डज नॉट मेक देम डिफरेंट और एनी लेस देन एनीवन एल्स. मीडिया में ज्यादातर ऐसा पोर्ट्रे किया जाता है कि मुस्लिम विमेन पे बहुत ज्यादा जुल्म हो रहे हैं, उनको दबाया जा रहा है, उनकी राइट्स को छीना जा रहा है. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. जो मीडिया में शो किया जाता है जरूरी नहीं कि वो सही हो. अगर आपको कोई भी क्वेरी है, आप किसी मुस्लिम से जाकर पूछिए या आप अपनी खुद की रिसर्च करिए, इंटरनेट पे बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है. आप प्लीज जो मीडिया की ब्लाइंड ब्रेन वॉशिंग चल रही है उस पर बिलीव ना ही करें तो बेहतर होगा. जब मैंने हिजाब पहनना शुरू किया था तकरीबन 5 साल पहले, तब इंडिया में हिजाब की या इस टोपी की अवेलेबिलिटी बहुत ही ज्यादा कम थी. स्लिपरी दुपट्टे, ट्रांसपेरेंट दुपट्टे ज़्यादातर होते थे हर इंडियन ड्रेस के. तो मैंने ये महसूस किया कि इस चीज़ की कमी है हमारी कंट्री में. एंड देन आई स्टार्टेड माय ओन हिजाब ब्रांड ramshasultan.com, जहाँ पर हर तरीके के, हर कलर में, हर वैरायटी के हिजाब्स अवेलेबल हैं. तो अगर आप इंटरेस्टेड हो मेरा कलेक्शन देखने के लिए तो आप ramshasultan.com से हिजाब्स और मॉडर्न ड्रेसेस और एक्सेसरीज खरीद सकते हैं.
And that's it for the video. I really hope कि आपकी जो general queries थी कि क्यों Muslim women hijab पहनती हैं वो मैंने solve कर दी, आपको काफी ज़्यादा clarity मिल गई होगी. ये बहुत ही generalized video थी, मैंने in depth ज़्यादा कुछ नहीं बताया. अगर आपको in detail कुछ जानना है तो मैं कुछ videos description box में डाल दूँगी, उनके direct links, आप वो videos देख सकते हैं. And also it's a message to all Muslims, मैंने in detail चीज़ें नहीं बताई हैं, बहुत ही जनरल ओवरव्यू था उन लोगों के लिए जिनको कुछ भी नहीं पता. तो अगर कोई गलती हो गई हो तो प्लीज दरगुजर कर दिएगा. आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर आया है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए, मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी. एंड मेक श्योर टू फॉलो मी ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम. दिस इज मी रमशा सुल्तान साइनिंग ऑफ. इनकी बातें सुन के तो मुझे तो क्लियरिटी हो गई है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि ये बुरखाज वगैरह हिजाब क्यों पहनती है. और मुझे सबसे पहला क्वेश्चन उन्होंने जो कहा कि हम क्या घर में भी डेली, मतलब मुझे भी ये क्वेश्चन पड़ता था कि हिजाब पहनना मतलब घर में भी हिजाब पहनना पड़ता है क्या, ये क्वेश्चन मुझे था. तो ये उन्होंने सॉल्व कर दिया. तो ऐसा नहीं होता कि वो अपने पेरेंट्स के सामने, अपने पति के सामने, अपने बच्चों के सामने, मतलब घर में जो भी है हमारे आसपास के लोग, उनके सामने हम हिजाब नहीं पहन सकते. मतलब ऐसा कंपलसरी नहीं है कि उनके सामने पहनना है, सिर्फ बाहर के लोगों के सामने पर्दा करना होता है. शॉपिंग वगैरह में जाएंगे तब पर्दा करते हैं. और ये बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने ये सही बात कही कि औरतों के जो हेयर्स होते हैं, जो बाल होते हैं, वो उनकी खूबसूरती होती है और उसे ढककर रखना इस्लाम धर्म में होता है. और ये बहुत सही बात कही, औरतों की खूबसूरती बालों में होती है, तो ये अच्छी बात है. और वो चेस्ट को भी ढक के रखना जो बहुत अट्रैक्टिव पार्ट होता है वुमन्स का, तो ये बहुत सही बात कही है उन्होंने. ये बहुत रिस्पेक्टफुल धर्म है, क्योंकि औरतों को ढक के रहना ही सीखना चाहिए, और ये बहुत बड़ी बात है. और मुझे ये वीडियो बहुत पसंद आया, और क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आज मिली है हमको. और आई होप आपको भी ये वीडियो, इस वीडियो से आपकी भी जो वैसे तो मेरे मुस्लिम सब्सक्राइबर है, फॉलोअर्स है, तो उनको तो सभी पता होगा, मुझे ही नहीं पता था. लेकिन फिर भी जो नहीं है उनको भी आज पता चल जाएगा कि हिजाब का मतलब क्या होता है, और मतलब हिजाब और बुरखास क्यों पहनते हैं मुस्लिम लोग. तो बहुत ही अच्छा वीडियो था. रमशा सुल्तान तो बहुत ही अच्छी वीडियोस करती है, और इनकी बातें सुनने का बहुत दिल करता है, क्योंकि ये एकदम ऐसे समझाती है जैसे कि हमारे स्कूल में टीचर थी ना, वो ऐसा समझाती थी कि पूरी कंसेप्ट क्लियर हो जाती थी, वैसे ये है. तो इनके वीडियोस भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. आपको कैसे लगे मुझे ज़रूर बताना. और थैंक यू भाई, आपने मुझे कमेंट करके बोला था कि इस पे रिएक्शन दो, तो मैंने दी. मुझे भी बहुत अच्छा वीडियो लगा. आप सबको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और अगला वीडियो किस पे करें ये भी ज़रूर बताना. तो मिलते हैं अगले.